नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। मैं आकाश, आज हम आपके लेकर आए हैं संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अनुसूचियां। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो मूल संविधान है, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी और इनके बाद में कुछ संविधान संशोधन हुए थे। आपको जैसा कि पता है कि संविधान संशोधन में कुछ ना कुछ हटाया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है या फिर कुछ सुधार किया जाता है, तो उसके ही तहत कुछ संविधान संशोधन हुए थे जिनमें हमारी चार अनुसूचियों को जोड़ा गया था और इस समय कुल हमारी 12 अनुसूचियां थी और जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि अनुसूचियां होता क्या है और इसके बारे में सभी 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिससे सभी अनुसूचियों को अच्छे से याद किया जा सकता है। सो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियां। कि ये संविधान की अनुसूचियां हैं क्या, तो सबसे पहले हम बात करें अनुसूचियों की। अनुसूचियां होता क्या है, ये अनुसूचियां जो है जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज हैं, जो भी संविधान के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, पॉलिटिकल जो हमारे नेता लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कानून बनाते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, तो वो जितनी भी एक्टिविटीज है वो सभी अनुसूचियों के अकॉर्डिंग ही होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। और जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी और इस समय की बात करें, नाउ प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में कुल 12 अनुसूचियां थी, जो कुल 4 संविधान संशोधन हुए थे उनमें ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में हम ट्रिक जानेंगे कि इनको कैसे याद कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट लर्न अबाउट अनुसूचियां, कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जो पहली अनुसूची है वो है यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये हमारी पहली अनुसूची है, मतलब इसमें यह केंद्र, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका बाउंड्री लाइन कहाँ कहाँ तक होगी, उनके बारे में उनकी सीमाएं कहाँ तक पहुंचेंगी, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो हमारी पहली अनुसूची है। और दूसरी अनुसूची है सैलरी के बारे में, जितनी भी राज्य में या फिर केंद्र में जो भी मंत्रिमंडल होते हैं या फिर जो भी नेता लोग होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और जो हमारी तीसरी अनुसूची होती है उसमें वर्णन किया गया है ओथ, यानी मतलब शपथ के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ के बारे में हमारी तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है कि जो भी शपथ होंगी, शपथें दिलाई जाएंगी, जितने भी राजनेता बनेंगे उनको शपथ दिलाई जाएंगी या फिर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा उनको जो शपथ दिलाई जाएगी, जैसे मुख्य न्यायाधीश हुआ, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको जो शपथ दिलाई जाएगी, वो हमारी तीसरी अनुसूची में रखा गया है कि किस तरीके से शपथ दिलाई जाएगी या फिर इनको कौन शपथ दिलाएगा। तो और इसके बाद में हमारी जो चौथी अनुसूची होती है उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है, जो भी राज्यसभा के जो नेता होंगे उसकी जो सीटें अलॉटमेंट की जाएंगी उनके बारे में वर्णन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है शेड्यूल ट्राइब एरिया के ऊपर, जो भी शेड्यूल ट्राइब एरिया होंगे उन पर वर्णन किया गया है। और इन पर किसका वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार इस पर कैसा अपना कंट्रोल यानी मतलब नियंत्रण करेगी और किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी मतलब अपना शासन चलाएगी, केंद्र सरकार इस पर किस तरीके से शासन चलाएगी, इसके बारे में पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है। इसके बारे में हमारी छठी अनुसूची आती है जो शेड्यूल ट्राइब एरिया के ऊपर ही होती है, जिसमें हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया के बारे में बताया गया है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाले जो एरिया है वो कितने हैं, इनके बारे में इसका वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। और वो एरिया 4 है जिनको हम ATMM से याद कर सकते हैं। ए का मतलब होता है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय और सेकेंड एम का मतलब है मिजोरम। इसका मतलब है कि ये जो 4 एरिया हैं इनके बारे में छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और इसको बहुत ही अच्छी ट्रिक है ATMM, इससे याद कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा 7वीं अनुसूची है उसमें लिस्ट के बारे में वर्णन दिया गया है, मतलब सूची के बारे में किया गया है। और सूची आपको पता है 3 प्रकार की होती है, एक सेंट्रल लिस्ट और दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और इसके बाद में कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इसके बारे में हम बताएंगे आपको।
कि केंद्र सूची में क्या होता है कि जो भी कानून है, जो भी कानून केंद्र सरकार बनाती है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी कानून हैं वो स्टेट लिस्ट यानी मतलब राज्य सरकार बनाती है वो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग मिलकर कोई भी कानून बनाती है तो वो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूची है जिसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे किसी अगले वीडियो में। और इसके बाद में जो हमारी आठवीं अनुसूची है वो है लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर। जो भी हमारे संविधान में जितनी भी लिखित भाषाएं हैं, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कुल 14 भाषाएं थी। इसके बाद में इसमें संविधान में कुछ संशोधन हुए और इस समय में कुल 22 भाषाएं हैं जो हमारे राज्य भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिनको सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो हमारी सरकार में कुल भारत में 22 भाषाएं हैं जिन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है, और ये मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसके बाद में हमारी हम बात करते हैं आठ अनुसूचियां, ये जो अनुसूचियां हैं आठ, ये हमारा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब उसमें ये आठों अनुसूचियां पाई जाती थी। पहली अनुसूची यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन केंद्र की बात करें या फिर राज्य की बात करें या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, इनके बारे में जो भी वर्णन किया गया है वो पहली अनुसूची में किया गया है। और सैलरी वेतन के बारे में, जो वेतन मिलेगा किस प्रकार से, कितना वेतन मिलेगा और कितना वेतन मिलेगा, इनका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में किया गया है कि जितने भी कर्मी लोग होंगे, कार्मिक लोग होंगे या फिर वो राजनेता होगा, उन पर कैसे, उनको कैसे शपथ दिलाई जाएगी और उनको कौन शपथ दिलाएगा, इनका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। और जो भी राज्यसभा की सीटें हैं कि किस तरीके से राज्यसभा की सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा, इनका कार्यकाल कैसा चलेगा, वो सभी चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। इसके बाद पांचवी अनुसूची में जो भी अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उन पर केंद्र सरकार अपना कैसा नियंत्रण करेगी, कैसा शासन करेगी, उसके बारे में पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है। इसके बाद आती है छठी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं उनका, उनको बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ATMM, हम इस शब्द से चार वो क्षेत्र याद कर सकते हैं जिसमें A का मतलब होता है असम, T का मतलब होता है त्रिपुरा, और M का मतलब मेघालय, और सेकेंड M है जो उसका मतलब हुआ मिजोरम। ये चार क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र ज्यादातर माने जाते हैं भारत में। और इसके बाद में हमारा जो सातवीं अनुसूची है वो है लिस्ट की, और इसमें लिस्ट की बात करें तो सूची की बात करें इसमें तीन प्रकार की लिस्ट आती है। पहली आती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और थर्ड नंबर पर है कंकरेंट लिस्ट, मतलब केंद्र से सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों का मतलब है कि जो भी सरकार, केंद्र सरकार है अगर वो कानून बना रही है तो वो केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे, और राज्य सरकार अगर कानून बना रही है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। अगर दोनों लोग मिलके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग मिल जाएं और वो लोग कानून बनाना स्टार्ट करें, अगर दोनों लोग मिलके किसी कानून को बनाते हैं तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम करते हैं, पढ़ते हैं कि नौवीं अनुसूची, जो हमारी पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इसके अंतर्गत नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम रखा गया था लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार। अब भूमि सुधार का क्या मतलब है कि उस समय पंचायती व्यवस्था थी, जमींदारी प्रथा वाली व्यवस्था थी, और जमींदार लोग भूमि पर अपना कब्जा कर रहे थे, इसी प्रथा को, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए ये अनुसूची बनाई गई थी, लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार अनुसूची, जिसको पहले संविधान संशोधन में 1951 में जोड़ दिया गया था। इसके बाद में जो हमारी दसवीं अनुसूची है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून। यदि कोई नेता दल बदलता है तो उसके विरुद्ध एक कानून बनाया गया था कि कोई भी नेता दल बदलता है तो उसके बाद में उस पार्टी से निरस्त कर दिया जाएगा, वो अन्य किसी पार्टी में या फिर कहीं पर भी वोटिंग नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून, और इसे दसवीं अनुसूची में रखा गया, और इस दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 को जो हुआ था उसमें यह जोड़ा गया था कि दल बदलने के विरुद्ध कानून को जोड़ा गया था, यानी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद में आते हैं हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची जो पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड है, और यह 11वीं अनुसूची इसको जोड़ा गया था 73rd 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था इसको पंचायत से, यहां से पंचायती व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी, और इसे
73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। आपको पता है कि 1992 में एलपीजी रिफॉर्म भी आया था, जो इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में। इसके बाद में 12वीं जो अनुसूची है वो थी म्यूनिसिपलिटीज की, नगर पालिका परिषद की, म्यूनिसिपलिटीज की, और इसको भी 1992 में ही जोड़ा गया था। लेकिन संविधान संशोधन हम दूसरा पढ़ेंगे, इसका संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था, म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका परिषद को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये हमारी कुछ अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और 8 अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान में थी, और इसके बाद में 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, जिनको हमने क्रम से बताया कि कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ था तो उसके बारे में, और इन अनुसूची को ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इनको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है इसको याद करने के लिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यह वीडियो आपके अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुँच सके। और इसको जानते हैं, आइए हम ट्रिक से जानते हैं कि इसको ट्रिक से किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आप कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे, यूएस और S43 RPM। ये देखिए आप, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, यूएस और S43 RPM। इसका मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है, तो आपको लग रहा होगा कि जो हमारा यू है, यू वर्ड से क्या मतलब है, यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, ये हमारे यू शब्द से बिलोंग करते हैं, यू वर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आपको यू, US और S43 RPM, इनसे आप बहुत ही आसानी से 12 अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा यस वर्ड है, इससे बिलोंग क्या करता है, सैलरी, यानी मतलब जो भी वेतन होंगे वो यस वर्ड से होंगे। और इसके बाद में जो हमारा ओ है, ओथ का मतलब क्या हुआ, ओथ या शपथ, और आर से आपको तो पता ही होगा कि राज्यसभा की सीटें, जैसा कि मैंने पहले याद कराया राज्यसभा। इसके बाद में यस, यस का मतलब क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, और इस पर क्या होगा, आपको CA याद करना है, मतलब कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन, यस का मतलब। अब आइए बात करते हैं 4 की, 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया 4 एरिया है वो आपको मैंने बताया था ATMM से याद कर सकते हैं। तो ये 4 एरिया है, तो यहाँ पर 4 का मतलब ये है कि 4 एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में आप 3 आया है, तो 3 का मतलब क्या होता है कि 3L, जो हमारी एक पहली अनुसूची है लिस्ट, दूसरी है लैंग्वेज, और तीसरी है लैंड रिफॉर्म। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लैंड रिफॉर्म, हमारी जो भूमि सुधार है वो कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन में। तो यहाँ से आपको 3 का मतलब समझ में आएगा कि यहाँ से 3 का मतलब है 3L, यानी मतलब जो पहली अनुसूची होगी वो लिस्ट से बिलोंग करेगी, और लैंग्वेज से, और लैंड रिफॉर्म से। और A का मतलब क्या है, आपको पता होगा A का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून, वो ए का मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ। और पी से आपको पता है पंचायत, और एम से आपको म्यूनिसिपलिटीज, म्यूनिसिपलिटीज नगर पालिका परिषद।